हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और अगर आप लोग RRB ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और दो अपडेट यहाँ पे मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो अपडेट है वो है आपके एग्जाम के बारे में, कब तक आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम डेट अगर 17 अगस्त है तो इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। और फेज़ वन का शेड्यूल क्यों नहीं जारी हो रहा है और ये कब तक आपका जारी हो सकता है, तो इन सारी डिटेल को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं, कोर्ट केस करने के बारे में जो कैंडिडेट्स सोच रहे हैं या फिर एक बार अप्लाई भी किया तो जो है उसका क्या नतीजा निकला, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और ये कोर्ट केस क्यों हो रहा है ये भी देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो इससे आप लोग ही प्रभावित होंगे, ठीक है। चाहे आपने कम्प्लीटेड कोर्स अप्रेंटिस किया है या नहीं किया है, CCA, ठीक है, कम्प्लीटेड कोर्स अप्रेंटिस एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है एक अलग कैटेगरी, जैसे जनरल OBC SC ST आप लोगों का एक कैटेगरी है, ये भी एक तरीके का अलग कैटेगरी में आपके यहाँ पे पोस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ टोटल 100 पोस्ट है किसी जोन में, तो यहाँ से 20% जो है, 20 पोस्ट जो है आपका, ये इस कैटेगरी के लिए यहाँ पे निर्धारित है। तो आप लोग देखिए 80 जो वैकेंसी है इसमें सभी लोग फाइट करेंगे, और ये 20% जो वैकेंसी है इसमें केवल यही लोग फाइट कर सकते हैं जिन्होंने जो है रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो नोटिस आपका आया था 30/6/2022 में, उनकी सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एक बात और मैं आपको बताऊँ कि RRB का कोई भी एग्जाम हो, बहुत रेयर चांस होता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CEN RRC 01/2019 Level 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन Level 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, ठीक है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, द सिंगल स्टेज CBT इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 17th अगस्त 2022 एंड ऑनवर्ड, मल्टीपल फेजेज में आपका होगा, ठीक है। ये मल्टीपल फेजेज में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ऊपर, 1,03,000 लगभग वैकेंसी है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई किया है। तो ये आपका मल्टीपल फेजेज में होने वाले हैं और 3 महीने से 4 महीने आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। मल्टीपल फेजेज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ COVID-19 पैंडमिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे बिफोर एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप एक टेस्ट दे रहे होंगे तभी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट, केवल आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम अगर नहीं टलने वाला है तो फेज़ वन का शेड्यूल है वो कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। तो आपका फेज़ वन का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है बहुत रेयरली टलता है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम 17 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे CCA के बारे में, ठीक है, क्या है, और सारी डिटेल वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं और कोर्ट केस करने के बारे में क्यों उनको जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं CCA का जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करके पहले से ही रखा हूँ, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए CEN RRC 01/2019 Level 1 पोस्ट, ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस CCA, ठीक है, ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे आपको नोटिस जारी किया गया कि इन रेफरेंस टू द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस डेट 22/4/2022 इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट CCA इज ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। मान लीजिए इसका मतलब यह है कि जो इन्होंने भी रेलवे से जो अप्रेंटिस किया है उनके जो NCVT का जो स्कोर कार्ड है उसका यहाँ पे कुछ वेटेज दिया जाएगा। और ये कितना वेटेज, मान लीजिए आपका 81 स्कोर आप कर रहे हैं तो इसका 1/3 जो है आपके फाइनल मेरिट में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और 30 स्कोर किया 100 में से, तो ये जो है 81% का 1/3 कितना होता है 27, तो ये 27 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टोटल आपका मेरिट किस पे बनेगा 57, ठीक है। तो ये इस वजह से बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि इसमें आप 35 नंबर 40 नंबर ला के भी जो है सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो। नाउ यहाँ देखिए दिस लिंक इज फॉर, एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया जहाँ से जो है आप लोग, दिस लिंक इज फॉर दोज CCAs हु हैड कम्प्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने जो है अपना अप्रेंटिस
रेलवे इस्टेब्लिशमेंट ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEN सच दैट 12/4/2019, मतलब 12/4/2019 से पहले जिन्होंने भी अपना जो है अप्रेंटिसशिप पूरा कर लिया था रेलवेज से, वो लोग जो है अपना मार्क्स डिटेल फिल कर सकते हैं। फील्ड अप रिक्वायर्ड डिटेल इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया और उस समय एक बॉक्स वहाँ पे टिक करना होता है कि आपने अप्रेंटिस किया रेलवे से नहीं या नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई टिक नहीं किया और आपने अप्रेंटिस किया है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे टिक किया है तो आपको जो है यहाँ पे मार्क्स फिलअप करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे दो पार्ट में बट जा रहे हैं, एक जिन्होंने इस बॉक्स को जो है टिक कर दिया था और एक जिन्होंने यहाँ पे बॉक्स को टिक नहीं किया है। अभी लोग मांग कर रहे हैं जिसी तरीके से फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट किया गया था उसी तरीके से इसको मॉडिफिकेशन का भी लिंक जो है जारी किया जाए, जिससे कि कैंडिडेट इसको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स ने जो है अपना चेक जो है यहाँ पे टिक कर दिया था तो उनको केवल मार्क्स अपना अपलोड करना है। सेकंड पार्ट ये है कि कुछ कैंडिडेट जो है, मान लीजिए ये कब की 2019 की वैकेंसी है, ठीक है, 2019 से 2022 तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है रेलवे से अप्रेंटिस किया है। अब इस अप्रेंटिस का उनको बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, तो इस वजह से ये भी परेशान हो रहे हैं कि अगर एक बार मॉडिफिकेशन का जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा तो इनको भी जो है अपना अप्रेंटिसशिप और इसका स्कोर कार्ड जो है यहाँ पे ऐड करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और कोर्ट के लिए भी गए थे, लेकिन वहाँ से जो है वहाँ पे खारिज कर दिया गया कि कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक जो है जारी नहीं किया जाएगा। इफ़ द कैंडिडेट्स फेल टू फीड देयर NCVT मार्क्स, अगर आप लोग NCVT मार्क्स जो है फिलअप करने में फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज ऑफ मार्क्स शुड नॉट बी गिवन, ठीक है। और इसको आपको 31/7/2022 से पहले जो है मार्क्स को फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कट ऑफ का कितना अंतर होता है नॉर्मल कैंडिडेट का और एक अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट के कट ऑफ में कितना अंतर। तो यहाँ पे देखिए RRB पटना का जो ग्रुप डी का कट ऑफ है प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया था 77 गया था, लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें CCA इन रेलवेज, जिन्होंने रेलवेज से अप्रेंटिस किया था उनका कट ऑफ कितना गया 40.04, ठीक है। अब यहीं पे OBC का देखें 72.51 और यहाँ पे OBC का कितना गया 30.34, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो कोई भी कैंडिडेट जो है चाहेगा कि अगर उसने अप्रेंटिसशिप किया है तो उसका लाभ उसको मिले, और इतना टाइम हो जाता है एग्ज़ाम होने में तो एक मॉडिफिकेशन लिंक जरूर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कितना 20% सीट जो है रिजर्व होती है, अगर टोटल 100 पोस्ट है यहाँ पे तो 20 पोस्ट जो है CCA कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपके सीट से इनको सीट दिया जाएगा, ठीक है, आपके वैकेंसी से इनको बिल्कुल भी सीट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इनका 20% है उन्हीं में से ही इनको मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।